आ गए हैं हम पावागढ़ के पर्वत पर, और यहाँ बहुत सारा मेला लगा होता है नीचे है, और ऐसा बाजार भी होता है। तो अभी हम रोपवे में बहुत भीड़ थी, तो हम स्टेप से ही ऊपर जाएंगे, क्योंकि रोपवे में खड़े रहते तो 3 से 4 घंटे लग जाते। और ये हम ऊपर आ गए हैं, और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है नीचे का, और ये रोपवे है। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी। और ये भद्रकाली मंदिर का रास्ता है, तो हम जब स्टेप से जाते हैं तो वहाँ पे बीच में से ये भद्रकाली मंदिर जाने का रास्ता है, जो वहाँ पे तो वहाँ पे हम जा सकते हैं इस तरफ से। और वहाँ का भी रास्ता अच्छा ही बना हुआ है, जो उस चोटी पर है भद्रकाली माता का मंदिर। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है वहाँ पर, वहाँ का। और फिर हम फिर से स्टेप चढ़ने लगे, तो इसके लगभग 1800 जितने स्टेप से ऊपर जाने के लिए, तो हमने लगभग 2-2.5 घंटे में हमने फिनिश कर लिए थे। और ये ऊपर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, तो हमने वो कैप्चर किया है। और वहाँ पे बहुत सारा बाजार भी होता है, और वहाँ पे हम जब ऊपर जाते हैं तो बीच में नींबू शरबत और वो सब भी मिलता है। और यहाँ पे मैं सेल्फी लेते हुए, और ये यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक हम रोपवे हमें लेके आता है। और अभी ये नया बना हुआ है, तो इसमें स्टेप चढ़ने में बहुत ही आसानी थी। और ये वो ऊपर का दूधिया तालाब है जो हमें दिखा जो दिख रहा है वो, और वो भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। ऊपर जाते ही आपका पूरी थकान निकल जाती है वहाँ। तो ये पूरा तालाब ऊपर बना हुआ है, और इस तरह से हम ऊपर आ गए हैं पर्वत महाकाली मंदिर के ऊपर का। ये नज़ारा है जो अभी नया मंदिर बना है, तो उस पर से ये पूरा नज़ारा दिखता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो हमें जब ऊपर मंदिर जाते हैं वहाँ से दिखने को मिलता है ये। तो आ गए हैं हम मंदिर। मंदिर में फोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी मैं मुझसे जितना शूट हुआ उतना मैंने किया है। और फिर ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और हम बाहर भी यहाँ पे बैठ सकते हो और हमारा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे ठंडी हवा भी चलती है, और यहाँ पे बैठने को भी बहुत अच्छा लगता है। तो यही तक था मेरा आज का ये वीडियो और पावागढ़ की मेरी ट्रिप। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग गया है तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे मैं अच्छी ऐसे ही अच्छी नई वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। थैंक यू एंड बाय बाय।